व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो लोग भी हमारे 2022 के वेबजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों के लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन करेंगे। बिकॉज लास्ट जो 90 डेज, मतलब लास्ट जो 3 महीने पूरा आपके हाथ में है, इसको कैसे आप यूटिलाइज करें एंड कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको फॉलो करना चाहिए टू क्रैक WBJEE एग्जामिनेशन एंड टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज वेल एज जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए कौन सा स्टेप स्कोर आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझको क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उसके ऊपर भी इस वीडियो में आपके से डिटेल तरीके से डिस्कशन कर दूंगा। बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन को मास्ट ऑन कर लो, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पे आपको ऐसे ही WBJEE रिलेटेड हर एक वीडियो मिलती रहेगी, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग फ्रेंड्स के साथ भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करो एंड सब लोग मिलकर आकाश टाइम को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस वीडियो में इस चैनल पे आपको WBJEE की प्रिपरेशन हर एक तरीके से मिलती रहेगी। तो ऑब्वियसली हमारे फैमिली को स्ट्रॉन्ग करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो आपके लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा। तो पहला पॉइंट, मेरा जो पहला पॉइंट है, हमारे पहले पॉइंट के साथ टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड स्टार्ट अ ह्यूज रिवीजन। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग आपका सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करो। जो लोग अभी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। जितना जल्दी एग्जाम से जितने पहले आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे एंड रिवीजन पे घुस पाओगे, उतने आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, इसीलिए सिलेबस को जितना जल्दी हो सके आप सब लोग कंप्लीट कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा दूसरा पॉइंट, दैट इज क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, आप लोग जब सिलेबस चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी चैप्टर्स को आप लोग जब पढ़ रहे हो, आई थिंक आप लोग खुद भी जानते हो कि कौन से चैप्टर्स पे आप लोग थोड़ा वीक हो, कौन से चैप्टर पे। तो उस चैप्टर्स को एक काम करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, ठीक है, कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथ का एक चैप्टर होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर मैं मैथ इसका नहीं आता मुझको, अच्छे से नहीं आता। तो उससे डर के भाग मत जाओ, उसको स्किप मत कर दो, अदर देन क्या करो, उसके अंदर जाओ और जाके उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बिकॉज तुम्हारे जिस जगह पे कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है ना, को एग्जामिनर उसी जगह पे हिट करेगा, बिकॉज वो लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे है टोटली। तो एग्जामिनेशन हॉल पे जाने से पहले किसी भी हार्ड टॉपिक को, जिसको तुमको हार्ड लग रही है, उसको प्लीज छोड़ना मत। आप लोग प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो। करने के लिए अभी यूट्यूब में सब फ्री का कॉन्टेंट अवेलेबल है, जाओ सर्च करो, अच्छा अच्छा चैनल्स पे जाओ विजिट करो एंड एज वेल एज टॉपिक्स को एंड कंटेंट्स को जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। कोई भी एक टॉपिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज उसको स्किप मत कर दो, कि डर लग रहा है चलो छोड़ देता है, ये मत करना। ये अगर आपने कर दिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि मेक योर शॉर्ट नोट्स। मैं मेरे सब प्रिपरेशन वीडियो में बोलता हूं और एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि प्लीज एक शॉर्ट नोट क्रिएट कीजिए, एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक पे चैप्टर वाइज आप लोग नोट करते रहिए कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स इंपोर्टेंट है, ये सब करके आप लोग छोटा सा एक नोट प्रिपेयर कीजिए, जैसे कि पूरा एक बुक आपका एक छोटा एक पतला सा एक जो है नोटबुक के अंदर चला है। इससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर जब देख के जाओगे तो पूरा सिलेबस आपका छोटे एक एरिया में कवर अप हो जाएगा, तो आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोग कर सकते हो। अच्छा, हम लोग बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट पे कि मेमोराइजेशन। बहुत सारे लोग इसको इसके आप बोल सकते हो कि भैया मेमोराइजेशन हम लोग क्यों करें। देखो भाई, बहुत सारे लोग बोले कि जो फॉर्मूलाज है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के जाओ, एग्जाम हॉल में जाके खुद से फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे। भाई मैं खुद बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ चुका हूँ, आपसे सीनियर हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आपसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठा हूँ। तो इससे एक चीज तो मैंने पता किया कि कभी भी एग्जाम हॉल पे जाके हमारे मेंटल स्टेज कभी भी उस एरिया में नहीं रहती कि अगर हमने कोई फॉर्मूला भूल गया तो उसको फिर से एकदम करके निकाल पाओगे, ठीक है, उतना टाइम भी नहीं रहता, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि हर फॉर्मूला, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो शॉर्ट नोट मैंने आपको क्रिएट करने को बोला, उसमें हर फॉर्मूला को डालो एंड हर फॉर्मूला को आप लोग मेमोराइज करके जाओ, रादर देन आप लोग वो फॉर्मूला आपका फिजिक्स पे हो सकती है, वो केमिस्ट्री में हो सकती है, वो मैथमेटिक्स में हो सकती है, बट आप लोग फॉर्मूला का एक सीट और चार्ट
रखो, ठीक है, सीट एक पेज में लिख के रखो, और घर के ये जो दीवार है इस दीवार पे एकदम लगा के रखो, सोने से पहले एक बार पढ़ो उसको, उसको देखो और देख के एक बार पूरा रिवाइज करते रहो हर दिन, जितना आप लोग रिवाइज करोगे उस फॉर्मूला को वो उतना आपका रट्टा मारने के जैसा आपके दिमाग में चला जाएगा। तो प्लीज फॉर्मूलाज को याद करना स्टार्ट करो, लिख के रखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और जो दीवार पे है चिपका भी रख सकते हो, जिससे कि सोने से पहले आप लोगों को देख के रिविजन करने में सुविधा हो, ठीक है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज मॉक टेस्ट एंड मेमोराइजेशन, ठीक है, सॉरी मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट दो चीज एग्जाम हॉल में आपको जरूर बदर करेगी। टाइम मैनेजमेंट इतना WBJ के एग्जाम में आपको एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन जाके सॉल्व करना होती है, तो इतना कम टाइम में इतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है, और जो मिलेगा आपको मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को अपियर करनी है। मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे फ्री हो रही है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री का मॉक टेस्ट ले लिया, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देखो, आप लोग मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। और अगर आप लोग फुल मॉक टेस्ट PCM का देना चाहते हो तो वो भी हमारे चैनल पे बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, फुल कोर्स बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे वो आने वाली है, जो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वो टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो वेट फॉर दैट, आकाश के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग वो सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे और एक लास्ट एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ये तो स्ट्रेटेजी टॉपिक्स थी, एंड एज वेल एज लास्ट एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ आप लोगों को कि सेफ स्कोर, आप लोग बहुत सारे लोग मुझको कमेंट करके पूछ रहे थे भैया सेफ स्कोर क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, अगर आप लोग CSC के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों को 120 प्लस तो मिनिमम टारगेट करना पड़ेगा, कि मिनिमम 120 हम लोग क्रॉस करें अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो फॉर CSE ट्राई कर रहे हो। अगर आप होम स्टेट से हो, अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो तो देन कोई बात ही नहीं है, 135 आप लोग टारगेट करो, आउटसाइड जो है वो 135 मिनिमम टारगेट करो, होम स्टेट स्टूडेंट्स है 120 मिनिमम टारगेट करो टू गेट CSE। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स कोई भी एक ठीक ठाक सा ब्रांच पढ़ना चाहते हो जीयू में, आप लोगों को मैं बोलूंगा 100 प्लस 100 प्लस आपको टारगेट करनी है, कि कोई भी एक ठीक ठाक सा अच्छा सा ठीक ठाक सा ब्रांच अगर आप जादवपुर में पढ़ना चाहते हो मिनिमम 100 प्लस आप लोगों को टारगेट करके आगे बढ़नी है, ठीक है। यही आपका एक रेंज, एक मोटा रेंज आप लोग समझ के, इसको देख के पैरामीटर समझ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। 120 प्लस जो लोग CSE पढ़ना चाहते हो, और 100 प्लस जो लोग हमारे एक ठीक ठाक सा ब्रांच पढ़ना चाहते हो JU में, ठीक है। सो दैट्स द स्कोरिंग रेंज जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, दैट्स द अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सो अगर इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।